परमाणु युद्ध की धमकी देने वाला पाकिस्तान आसमानी हिमाकत पर उतर आया है। भारत से बढ़ते तनाव के बीच कल देर रात पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का टेस्ट किया। तंगी से जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान सरकार और सेना भारत से युद्ध का शिगुफा छेड़ दिया है। दिन में पाकिस्तान के मंत्री युद्ध की तारीख बताते हैं, कहते हैं कि जंग होने वाली है। रात में पाकिस्तान की सेना मिसाइल का टेस्ट करती है। आसमान में उड़ती मिसाइल पाकिस्तान की ताजा हिमाकत की गवाही दे रही है। उकसावे पर कार्रवाई पाकिस्तान को इतनी भारी पड़ सकती है कि उसके बोझ के तले वो दब सकता है। लेकिन ये बात पाकिस्तान की समझ से परे है। पाकिस्तान आसमान से जमीन और जमीन से समंदर तक भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। पाकिस्तान ने कल रात गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया। खबर यह भी है कि समुद्री सीमा के रास्ते पाकिस्तान के ट्रेंड कमांडो कच्छ में घुसपैठ कर चुके हैं। इधर पाकिस्तान अल बदर के 45 आतंकियों को भी तैयार करने में लगा है, ताकि वो कश्मीर में घुसपैठ कर आतंक फैला सके। गजनवी मिसाइल का परीक्षण कर पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव को और तूल दे दिया है। अब तक पाकिस्तान जुबानी हथियार चलाकर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था, लेकिन अब उसका दुस्साहस आसमान में आतंक फैला रहा है। जिस मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान ने किया है वो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। ये मिसाइल 700 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसकी लंबाई 8.5 मीटर है और वजन 4,650 किलो। पूरे विश्व में उसको कहीं से भी समर्थन कश्मीर के मुद्दे पे नहीं मिल रहा है। चाइना का जो थोड़ा बहुत समर्थन है वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए है, तो इसलिए पाकिस्तान की समय स्थिति असुरक्षा की है, बौखलाहट की है। और पूरे विश्व में का ध्यान जो है वो इस तरह के कश्मीर का जो मुद्दा है उसकी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, उसको लगाने के लिए इस तरह की वो मिसाइल टेस्ट कर रहा है, ताकि दुनिया में एक तरह का चिंता का माहौल बने, उससे उसकी इमेज और अधिक खराब होने वाली है। आर्थिक तंगी और कंगाली से पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इमरान खान की सरकार अब इस तरह के पैतरे आजमाने पर उतारू है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि भारत की ताकत के आगे उसकी मिसाइल खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं। इसी खिलौने से पाकिस्तान अपना दिल बहला रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।